हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की तरह अब यूपी बोर्ड भी हाई स्कूल की परीक्षाओं को निरस्त करने के बारे में सोच रही है। जैसे कि सूचना आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है छमाई और प्री बोर्ड के अंक 24 घंटे में करने को कहा गया अपलोड। संयुक्त शिक्षा निदेशक के पत्र के बाद परीक्षा निरस्त करने के कयास शुरू। यूपी बोर्ड ने स्कूलों में हाई स्कूल के छात्रों की छमाई और प्री बोर्ड परीक्षाओं को अंक अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक सुरेंद्र तिवारी ने संबंध में पत्र जारी किया है। बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे गए पत्र में इस वेबसाइट पर 18 मई तक अंक अपलोड करने के लिए कहा गया। इस निर्देश के बाद हाईस्कूल की परीक्षा भी सीबीएसई और आईसीएसई की तरह निरस्त किए जाने की कयास शुरू हो गई है। जिस तरह की तैयारी स्कूल स्तर पर से करने के निर्देश दिए गए, उससे तो यही आसार लग रहा है। यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के छात्रों को इस बार सीबीएसई और सीआईएससी की तरह औसतन अंक मिल सकते हैं। स्कूलों में कराई गई परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन को मिला करके छात्रों का परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकता है। लखनऊ DIO डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी 778 हाईस्कूल ने अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा कराने का दावा किया है। तो हाईस्कूल की जो परीक्षा यूपी बोर्ड की होने वाली थी, क्योंकि कई बार इनकी डेट शीट चेंज हुई है, तो अब सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की तरह ये परीक्षा भी निरस्त करने की कयास शुरू हो गई है। कोविड-19 के चलते हुए उनके प्री बोर्ड मार्क्स के आधार पर जो 10th की परीक्षा में प्रमोट करके उनको 11th में भेज दिया जाएगा। 12th एग्जामिनेशन से भी संबंधित जो हमारे निशंक माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री, उन्होंने एक बात बोली है। कल 17 मई को राज्य शिक्षा सचिवों के साथ उनकी बैठक थी, तो आइए जानते हैं उस सूचना को भी। 12वीं के छात्रों के लिए सूचना है कि 12वीं बोर्ड परीक्षा फैसला 1 जून को होगा। इसमें लिखा हुआ सीबीएसई समेत राज्यों के सभी शिक्षा बोर्ड, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, 12वीं की परीक्षा कराने का फैसला 1 जून को होगा। यह फैसला कोरोना के हालात की समीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यों के शिक्षा सचिव ने सोमवार को ही वर्चुअल बैठक में राज्यों पर इस पर जल्द से जल्द सुझाव देने के लिए कहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच निशंक ने सभी राज्यों से स्कूल शिक्षा पर बात की। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दिया। तो यहां पर जो है दो सूचना निकल के आ रही है। पहली सूचना यह है कि निशंक ने शिक्षा सचिवों के आग्रह किया कि बच्चों की पढ़ाई को कम से कम नुकसान का प्रयास किया जाए। इसके लिए डिजिटल मोड के अलावा शिक्षकों की कमी पूरी की जाए, स्थानीय स्वयंसेवकों को बदल लिया जाए, राज्यों में 9वीं व 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट व नेट कनेक्शन दिया जाए। तो यहाँ पर दो सूचना निकल के आ रही। पहली सूचना ये है कि हाईस्कूल के छात्रों को जो है वो प्रमोट किया जाएगा और 12वीं के स्टूडेंट पर फैसला जो है वो 1 जून तक आएगा। तो यही लगभग न्यूज़ है, क्योंकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने हाईस्कूल को प्रमोट कर दिया है। कोविड-19 के समय परीक्षा नहीं कराई जा रही है, लेकिन 12th की परीक्षा फाइनल ईयर की परीक्षाओं की तरह शायद कराई जाए, तो ये होगी या निरस्त होगी। लेकिन सभी छात्र छात्राएं और सभी शिक्षक और सभी जो माता पिता, वो यही मांग कर रहे हैं कि 12वीं के छात्रों को भी प्रमोट किया जाए। जिस तरह से कोविड-19 की लहर चल रही है, तो यही लेटेस्ट अपडेट थी। और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।